बढ़ सकता है दलहन और तिलहन का उत्पादन। जी हाँ, केंद्र कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए अपने चौथे अग्रिम अनुमान में कहा है कि दालों का उत्पादन 2,76,00,000 टन रह सकता है, जो कि एक साल पहले 2,54,00,000 टन था। गैर खाद्यान्न में तिलहन का उत्पादन 3,59,00,000 टन से बढ़कर 3,76,00,000 टन हो सकता है। वहीं सरसों का उत्पादन 1,70,00,000 टन जबकि गन्ने का उत्पादन 43,00,00,000 टन रहने की संभावना बताई गई है। एक साल पहले गन्ने का उत्पादन 40,05,000 टन रहा था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार दालों का उत्पादन बढ़ सकता है, जिसके चलते कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। और वहीं अगर खाद्य तेलों की बात करें तो खाद्य तेलों का उत्पादन भी बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, जिसके चलते कीमतों पर दबाव बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।